हेलो एवरी वन अगेन वेलकम बैक एट मेडिकल अवर्ड्स आई होप यू ऑल विल बी वेल एंड ऑल्सो आई होप कि आप सबने पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा क्योंकि टुडेज आ थर्ड फैब सो आई थिंक नेक्स्ट मंथ और आफ्टर कपल मंथ हमारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो एटलीस्ट जो भी सब्जेक्ट्स हैं यूनिट्स हैं उन सब का इंट्रो तो ले ही लेना चाहिए हमको क्योंकि फिर स्टार्टिंग में कॉलेज में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशनस होता है क्योंकि हमको पता नहीं होता है ना क्योंकि फर्स्ट टाइम है फर्स्ट ईयर है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है तो इसलिए पहले से इंट्रो ले लेते हैं तो थोड़ा ईजिली समझ आ जाएगा सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट स्टार्ट अवर वीडियो सो आज का हमारा टॉपिक रिप्स एंड स्टार्टम है और प्रीवियस वीडियो में हम लोग फर्टेबरा अपना कंप्लीट कर चुके हैं so let's start. The sternum or breast bone is a thin knife-shaped bone located along the midline of the anterior side of the thoracic region of the skeleton. So sternum है उसको ही हम लोग breast bone भी बोलते हैं. So और हमने previous video में देखा था कि thoracic region क्या होता है वो chest region होता है और उसमें thoracic region में twelve vertebrae present होते हैं. सो so, ये रिवाइज भी हो गया हमारा कि थोरासिक रीजन में कितने वर्ड होते हैं ट्वेल्व सो so, जो ब्रिस्ट बोन है वो कहाँ पे लोकेट करती है वो देखते हैं इस ये देख ही लिया है हम लोगों ने स्टर्नम ऑल्सो कॉल्ड ब्रिस्ट बोन जो कि नाइफ शेप्ड की होती है बिल्कुल पतली सी और थोरासिक मीन्स चेस्ट रीजन में होती है मतलब हमारा जहाँ पे चेस्ट होता है उसके मिड लाइन में यहाँ पे चेस्ट में चेस्ट पे मिड लाइन में हमारा स्टर्नम लोकेट करता है ठीक है स्टेडम कनेक्ट टू द रिप्स बैंड ऑफ कार्टिलेज कॉल्ड द कोस्टल कार्टिलेज इस्ट से कनेक्ट पतली सी बैंड से होता है स्टर्नम रिप से कनेक्ट पतली पतली सी बैंड से होता है जो कि कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है मतलब कार्टिलेज से बनी होती है तो हम लोग तो लो उनको कोस्टल कार्टिलेज भी बोलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आ भी सकता है कि जो स्टर्नम स्टर्नम रिप से जुड़ी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं हमको उसको बताना है कोस्टल कार्टिलेज बोलते हैं देयर आर ट्वेल्व पेयर्स ऑफ रिप्स दैट टुगेदर विद द स्टर्नम फॉर्म द रिप केज ऑफ द थोरासिक रीजन सो यहाँ पे ट्वेल्व पेयर्स रिप्स के ट्वेल्व पेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टर्नम है स्टर्नम के साथ मिलकर थोरासिक रीजन मतलब चेस्ट रीजन रिप केज बनाती है मतलब देखते हैं हमारे यहाँ पे जो को स्टर्नम जहाँ पे रिप्स कनेक्ट होती है थोरासिक रीजन में थोरासिक रीजन में ट्वेल्व पेयर्स ऑफ रिप्स प्रजेंट होते हैं जो कि स्टर्नम के साथ मिलकर थोरासिक रीजन में ही रिपकेज बनाती है ओके द फर्स्ट सेवन रिप्स आर नोन एज ट्रो रिप्स जो इन ट्वेल्व पेयर्स में स्टार्टिंग के जो सेवन रिप्स हैं उनको हम लोग ट्रो रिप्स भी बोलते हैं क्योंकि ये थोरासिक वर्टिब्रा को स्टर्नम से डायरेक्ट कनेक्ट कराता है जैसे बिकॉज द थोरासिक वर्ल्टीब्रा डायरेक्टली टू द स्टर्नम थ्रो कार्टिलेज दैट इज कनेक्टेड टू द कार्टिलेज ऑफ द सेवेंथ रिप पहले सात रिप्स को हम लोग टू रिप्स बोलते हैं और क्योंकि ये थोरासिक बल्टीब्रा को स्टर्नम से डायरेक्ट कनेक्ट कराता है कार्टिलेज के द्वारा जो थोरासिक बल्टीब्रा स्टर्नम से कनेक्ट है वो किसके थ्रू है कार्टिलेज के थ्रू सो so, जो अपना जो कार्टिलेज है वो सेवन्थ रिप पे कराता है ठीक है सेवन्थ रिप तक ये कराता है फिर जो सेवन्थ के बाद एट्थ से लेके ट्वेल्थ पेयर तक जो भी रिप्स बचे हैं उनको हम लोग फॉल्स रिप्स भी बोलते हैं ठीक है बट दे आर ऑल्सो कन्जीडर टू बी फ्लोटिंग रिप्स जिनको हम लोग एट्थ से ट्वेल्थ पेयर तक को हम लोग फॉल्स रिप्स बोल रहे हैं उनको फ्लोटिंग रिप्स भी कंजीडर किया जाता है बिकॉज दे डोंट हैव एनी कार्टिलेज क्योंकि इनके पास कोई भी कार्टिलेज से अटैच्ड स्टर्नम नहीं होता है मतलब स्टर्नम से अटैच कार्टिलेज uh, के थ्रू नहीं होते हैं इनमें अब कोई कार्टिलेज नहीं है तो इनको फ्लोटिंग बोन बोल देते हैं फ्लोटिंग रिप्स बोल देते हैं ओके सो आई थिंक ये बहुत ईजी हुआ हुआ मैंने बहुत सिंपल कंटेंट लेके आई यू तो इफ आई यू एनी क्वारी रिगार्डिंग दिस देन आज मे इन कमेंट बॉक्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीज्यू